दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले दोस्तों कुछ समय से मेरे जो मेट्रो के वीडियोस हैं खासतौर पे, तो उनमें लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि इंदौर में MG रोड है, गांधी हॉल के आसपास है, रेलवे स्टेशन है, या उधर जो सिटी एरिया है जो कि राजवाड़ा या राजवाड़ा से आगे बड़ा गणपति के बीच में जो है मेट्रो का काम चालू हो गया है। तो खैर मुझे ये पता ज़रूर था कि ये मतलब कि ये काम नहीं है, ये अभी फ़िलहाल एक DPR बनाने के लिए जो एक टेस्टिंग होती है जिससे ये पता चल सके कि कहाँ पे कितनी डेप्थ में आपको पिलर बनाना पड़ेंगे या आपको कितनी, ये चूँकि पूरा ये जो पूरा सघन क्षेत्र है ये पूरा अंडरग्राउंड रहेगा, तो वहाँ पे जो टनल वगैरह है वहाँ पे किस हिसाब से बनेगी, वहाँ की सॉइल कैसी है, चट्टाने कैसी हैं, तो इसकी टेस्टिंग हो रही थी। तो मैं आज ये पूरा MG रोड से पूरा कवर करते हुए मैं आपको निकल रहा हूँ। और दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें बोरिंग मशीन का मैं आपको एंड में दिखाऊँगा कि बोरिंग मशीन भी ये कैसे काम कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो पूरा ये अपने वीडियो ये आप देखिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए ट्रेजर आइलैंड है इंदौर का, और ये MG रोड है इंदौर की, इसका फुट ओवर ब्रिज है। आप देख सकते हैं ये सर्वे चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मिट्टी के जो हैं सैंपल लिए जा रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है TI से ही जो है वो अंडरग्राउंड होना है मेट्रो, तो ये पूरा उसी की जो पूरी सॉइल टेस्टिंग वगैरह है ये सब की जा रही है। CEG टेस्ट हाउस एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका कंसल्टेंट जो है वो ये अपने दोस्तों वो है, और ये कंपनी पूरी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो उसको बनाती है और ये बना के देगी जो MPM है ना, जो मतलब मध्य प्रदेश जो मेट्रो कंपनी है, तो ये उसको पूरी रिपोर्ट बना के देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से पूरी अंडरग्राउंड होना है मेट्रो, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो रहा है, मतलब हम यदि पलासिया से आएंगे तो इधर ट्रेजर आइलैंड जहाँ पे बना हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड पे सर्वे हो रहा है, मतलब जो मेट्रो लाइन है वो भी लेफ्ट हैंड तरफ से जाएगी, और ये पूरी एयरपोर्ट तक फिर ये अंडरग्राउंड रहेगी। आगे भी जो दोस्तों जो काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये ट्रेजर आइलैंड के पास में ही तीन जगह जो है वो सैंपल लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी मशीन लगी हुई है, ये FOB के ठीक नीचे का हिस्सा है, इसके आगे भी एक जगह जो है वो मशीन लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी दिखा चुका हूँ, ये एक मशीन काम कर रही है, दूसरी यहाँ पे, और तीसरी जो है वो आगे की तरफ कर रही है। ये जो टेस्टिंग हो रही है दोस्तों, ये उधर गांधी हॉल तरफ से ये पूरा टेस्टिंग करते हुए आ रहे हैं, ये इसकी पूरी DPR बनाएंगे। अब चूँकि नेक्स्ट फेज में जो दोस्तों जो काम चालू होना है वो रोबोट चौराहे से पलासिया होते हुए ये यहाँ तक का जो पूरा है, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे स्लोप रहेगा तो वो स्लोप बनाएगा जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जिसको जनवरी फरवरी तक जो है काम का ठेका दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में थर्ड फेज में जो है वो यहाँ वाले हिस्से में जो पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो का काम होना है वो होगा। आइए और अपन आगे भी चलते हैं। तो ट्रेजर आइलैंड के पास में ही तीन नहीं बल्कि चार जगह जो है वो ये टेस्टिंग का काम हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये चौथी मशीन जो है वो एक और जगह आगे भी काम कर रही है। ये देखिए आप MPM का जो लोगो है वो भी आपको बोर्ड पे दिखेगा, साथ में यहाँ पे स्पीड लिमिट भी रखी गई है कि यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरें, हालाँकि इसको ये देखने वाला कोई है नहीं। दोस्तों ये तीसरी मशीन आपको दिखाई, आपको चौथी मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हम लोग ट्रेजर आइलैंड से हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं, भी ये चौथी मशीन लगी हुई है, फिर इसके आगे एक और पांचवी मशीन लगी है, वो भी हम लोग देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों ये जो टैंकर के माध्यम से क्या होता है पानी डाला जाता है, और ये जो कि ये जो पूरी लेबर रहती है ये पूरी साथ में यहीं पर रहती है, कैम करती है, और ये लोग बोरिंग करके जो है कुछ ज़मीन की सतह गीली करके उसके मिट्टी के सैंपल जो है वो सब पूरे लेना पड़ते हैं, फिर ये लैब में जाएंगे और फिर यहाँ पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में जो है वो यहाँ पर पिलर बनाना पड़ेंगे, कहाँ पर रॉक आ रही है, सॉइल कैसी है, वो आपको कैसे पिलर आपको डिज़ाइन करना है, सब जो चीज़ें हैं वो सब की जा रही हैं। आपको आगे और लिए चलता हूँ मैं। ये पांचवी मशीन जो है दोस्तों वो MG रोड पे यहीं पे आगे काम कर रही है। अभी मैं ट्रेजर आइलैंड से हाई कोर्ट के बीच पे हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि जो है ये यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है रेलवे से, एक बार मेट्रो का काम शुरू हो गया है, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि मेट्रो का काम अभी चालू नहीं हुआ है, इस सेक्शन के तो अभी टेंडर ही अभी कॉल नहीं हुए, DPR बनेगी एंड टेंडर कॉल होंगे, और टेंडर प्रक्रिया में भी 3-4 महीने लगते हैं, 4-5 महीने, तो वो एक लंबा प्रोसीजर है जिसको अभी फॉलो करना पड़ेगा। 2024 में ज़रूर इस सेक्शन का जो टेंडर है वो अवार्ड हो सकता है। मैं आपको और आगे का भी मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल हाई कोर्ट की बाउंड्री वॉल है, ये इधर MD रोड है, आप देख सकते हैं जागुआ टावर, सॉरी हाईकोर्ट गिरा है वो है, और यहाँ पे भी ठीक बिल्कुल इसके मुहाने पे हाईकोर्ट की बाउंड्री वॉल से बिल्कुल सटे हुए हिस्से में भी जो है वो जो टेस्टिंग का काम हो रहा है।
यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी प्लान किया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट के परिसर में आएगा। और इसके लिए जमीन भी लेने की जो है वो सहमति जो है वो बन गई है। और अब जैसे जैसे काम बढ़ेगा दोस्तों, तो काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना ये सैचुरेटेड यहाँ पे एरिया है। यहाँ पे काम करना दोस्तों अब बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से बहुत भयानक ट्रैफिक आता है। अब जैसे जैसे जो कॉरिडोर का काम है वो शहर की तरफ बढ़ेगा, यानी रोबोट चौराहे से पलासिया, पलासिया से फिर इधर एमजी रोड और फिर एयरपोर्ट तरफ, तो वैसे वैसे अब जो काम की जो चुनौतियाँ हैं काम करने की वो बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, लेटेस्ट अपडेट था। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते दोस्तों आपको मैं बिल्कुल रीगल स्क्वायर के जस्ट पास में आ गया हूँ। ये देखिए, ये रीगल का बस स्टॉप है। यहाँ पे ये सातवीं जगह है जहाँ पे ये सैम्पलिंग का काम चल रहा है, रॉक टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग का। ये भी आप देख सकते हैं। ये चलते चलते मुझे यहाँ का दृश्य दिखा, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मशीन भी काम कर रही है, ये पूरा बोरिंग करती है और ये अंदर से सैंपल लेती है पूरा अंदर का इलाके। ये दोस्तों आप देख सकते हैं बोरिंग कैसे किया जाता है। ये पानी छोड़ा जाता है, साथ में ये पाइप से इसमें पूरे सुराख किए जाते हैं। सड़क का एक बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ऐसा होल करके ये पूरा बोरिंग हो रहा है। ये पूरी मशीन है जो कि काम कर रही है पाइप से। ये भैया हैं यहाँ पे, ये बोरिंग कर रहे हैं। अभी भैया ने बताया कि यहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहीं पे ये आप देख सकते हैं इनके बेड वगैरह लगे हुए हैं, ये पानी इधर भरा हुआ है, सब्जी भी रखी हुई है, खाना वगैरह भी यहीं पे बनता है, ये गैस की टंकी भी रखी हुई है। तो यहीं पे अब इनको रह के पूरा काम करना पड़ता है, वरना ये चोरी हो जाती है। तो यहाँ पे यदि रात में ये सब छोड़ दो तो लोग पाइप वगैरह और जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो इनके सब ये पूरे ले जाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर ये चूँकि आगे बढ़ा तो और काम दिखा, इसलिए मैंने वीडियो और बढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों रीगल पे एसपी ऑफिस में भी आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है। यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन बनेगा अंडरग्राउंड, ये उसी की सब के लिए पूरी टेस्टिंग है। दोस्तों ये था पूरा वीडियो मेट्रो कॉरिडोर के जो उसका एक्सटेंशन होना है वहाँ का। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें मेरा। थैंक यू वेरी मच।